एसोसिएट स्पॉन्सर। नमस्कार, अमना सामना को स्वागत करुछी मु शक्ति साई मिश्र। एबे सारा देश रे काश्मीर एक प्रसंग एक चर्चार विषय पलटिछि, कारण सारा देश रे वर्तमान फिल्म काश्मीर फाइल को नहीं की चर्चा। काश्मीर फाइल होची से फिल्म जो फिल्म माध्यम रे पूरी थरे काश्मीर रा प्रसंग पूरा सर्वभारतीय स्तर रे चर्चार विषय पलटिछि, एवं काश्मीर रा सत ए फिल्म माध्यम रे सामना को आसी, लोक माने जानु छंती काश्मीर रा सत एवं काश्मीर पंडित काही की काश्मीर छाड़ी की निजर जन्मभूमि को छाड़ी की निजर भिटा माटी को छाड़ी की काही की पलायन करबा को बाध्य होइथिले, तार सत सेमानंकर दुख केते किभली भाबरे निर्यातनार शिकार होइथिले यातनार शिकार होइथिले से दुख ए फिल्म माध्यम रे प्रदर्शित करा जाय छी। केतेक लोक जो माने कि निज को धर्मनिरपेक्षवादी बोली कहंती, जो माने कि निज को बुद्धिजीवी बोली कहंती, तो सेमानंकु ए फिल्म किंतु हजम होना ही। सेमानंकर कहिबा कथा जे ए फिल्म एभली एक फिल्म जहाँ कि देशर विभाजन सृष्टि करिब, एथिरे पूरा सत्य को देखा जाय नाही, एथि गोटे पाखिया प्रदर्शन करा जाय छी, किंतु प्रकृतर सत कण, ए काश्मीर फाइल केते सत एवं काहेकि ये भली घटना घटिला यार पृष्ठभूमि मध्य जानिबा निहाती जरूरी। सेथिपाई आज आम आमना सामनारे पाइछु देशर जड़े विशिष्ट गवेषक तथा लेखक तथा हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री। तांकर परिचय केवल एतिक रे सीमित नुहे, काश्मीर विषय रे यदि देशरे सबुठ आगधाड़ी गवेषक किए था जे कि काश्मीर आरंभर समस्या ठूँ नहीं कि आज पर्यंत एवं काश्मीर किभली भाव में देशर अविच्छेद्य अंग हो जदि किए आजीवन प्रयास जारी रखि था सी होती प्रोफेसर अग्निहोत्री। एवं आज आमना सामने से आम सहित जोड़ी होती प्रोफेसर अग्निहोत्री, हमारा ये कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप लग रहा है ये आरोप में क्या कितनी सच्चाई है, कितने दम है? देखिए, मोटे तौर पर द कश्मीर फाइल्स के आने से कश्मीर एक बार फिर चर्चा में आ गया, जो मानना चाहिए। वैसे तो कश्मीर चर्चा में रहता ही था, लेकिन समग्र रूप से सारे देश में, और मुझे लगता है देश में भी नहीं बाहर के देशों में भी, कश्मीर पर एक नए कॉन्टेक्स्ट में चर्चा शुरू हुई है। ये कश्मीर फाइल्स के कारण ही है। जो आपने कहा कि भाई लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, वो वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में उस नरसंहार को एक प्रकार से अंजाम दिया था, और 1990 जब उससे पहले जो उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसको करने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, वही अब अपना पर्दा खुलते देखकर ये हल्ला मचा रहे हैं कि साहब ये तो प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। और बाकी प्रांतों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रांतों में जो कुछ तथा कथित बुद्धिजीवी उनकी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 1990 में भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे जो कश्मीर से हिंदुओं को भगाने का प्रयास कर रहे थे। इनका आपस में नेक्सस है, अब वो नेक्सस फिर एक्टिव हो गया है। कश्मीर के भीतर से वो सेक्शन हल्ला मचा रहा है जो प्रोपेगेंडा है, और कश्मीर से बाहर उस प्रकार के जिसको एक नया नॉमनक्लेचर जो मिला है, मैं समझता हूँ नॉमनक्लेचर नया है लेकिन वो प्रक्रिया पुरानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जा सकता है, या जो हिंदुस्तान की मूल आत्मा को नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान की इंक्लूसिवनेस को नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान के सर्वसमावेशी व्यवहार को नहीं समझते हैं, वो बाहर के प्रांतों में हल्ला मचा रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है, और कश्मीर के अंदर वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जो प्रोपेगेंडा है, जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और मुझे लगता है इस फिल्म में, जो इस फिल्म पर चर्चा के बाद जो ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है नरसंहार, वो बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द है। जैसे 1984 में दिल्ली में जो पंजाब के लोगों पर, सिखों पर, और एक प्रकार से कहना चाहिए सरकार की मिलीभगत से ही, मैं मिलीभगत इसलिए कह रहा हूं कि बिना सरकार के प्रेशर के या उदासीनता के इतना बड़ा कत्लेआम नहीं हो सकता। जो दिल्ली में 1984 में नरसंहार हुआ था,
और उससे बाद 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, तो ताकतें मोटे तौर पर एक ही हैं, दिल्ली में करने वाले भी और कश्मीर में करने वाले भी। अब क्योंकि पर्दा खुल रहा है, भाई चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है, तो इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि हमने इतना जो किया है अब वो पब्लिक में आएगा, उसका हमें नुकसान होगा, इसलिए इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि साहब ये तो प्रोपेगेंडा है। और दूसरी आपने जो एक बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग कहते हैं साहब इस फिल्म से भाईचारा खंडित होगा, कि देखिए दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अब ये जो पुरानी बातें इस पर उखाड़ी जाएंगी तो भाईचारा खंडित होगा। मुझे लगता है यदि भाईचारा होता तो 1990 की नौबत ही ना आती। भाईचारा नहीं था इसीलिए 1990 की नौबत आई, और जो कृत्रिम एक प्रकार से आर्टिफिशियल नैरेटिव बनाया गया था कि कश्मीर में स्थिति इस प्रकार की है, नीचे कितना कष्ट था, वो 1990 में पर्दा उठ गया। प्रोफेसर अग्निहोत्री, जो लोग कहते हैं कि भाईचारा, ये आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए मैंने यही कहा कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जो तब संभव था यदि ग्राउंड पर कुछ ना हुआ होता, कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट हुआ होता। देखिए इक्का दुक्का इंसिडेंट में क्या होता है भाई, उसमें आप हिंदू या मुसलमान नहीं देख सकते, किसी ने किसी की छुरा मार दिया, किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, फिर हम कहें कि हिंदू ने मुसलमान को छुरा मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा, फिर तो हम कह सकते हैं कि इसमें मजहब की क्या मामला है। लाल चौक पर दो लोग लड़ पड़े, किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े और एक ने गुस्से में छुरा मार दिया, अब उसकी जाति देखने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा। यदि कोई अखबार वाला बार बार लिखता है कि मुसलमान ने हिंदू को छुरा मारा या हिंदू ने मुसलमान को छुरा मारा, फिर तो हम कह सकते हैं कि वो भाईचारा खंडित करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कश्मीर में वो जो हुआ वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को छुरा मारना नहीं था, वो 5 लाख कश्मीर के हिंदू सिखों को कश्मीर से निकालने का षड्यंत्र था, और यदि वो षड्यंत्र ना होता तो इतने बड़े स्तर पर शायद वहां से लोग ना निकलते। आपसे स्पष्ट होना चाहूंगा कि ये कश्मीर में हिंदू शासक रहते आए थे, तो हिंदू अल्पसंख्यक कब से बन गए? देखिए हिंदू अल्पसंख्यक कैसे बने, आपका प्रश्न जायज है, जिस वक्त ज्यादा कश्मीरी कन्वर्ट हो गए, अब कैसे हुए उसमें कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, एक राजा को तो उसका नाम ही बुद्ध शिकन पड़ गया कि उसने जितने मंदिर तोड़े और जितने वहां के हिंदुओं को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट का उनके पास ऑप्शन ही रख दिया कि इधर यू शुड क्विट कश्मीर और जब मुसलमान बन जाओ, और जैन बेचारों ने जाना भी चाहा वहां से उनको भी उसने जाने नहीं दिया, डाल लेक में डुबोकर मारा, झेलम नदी में डुबोकर मारा। तो उस वक्त हिंदुओं की संख्या बहुत कम रह गई, तो ज्यादा लोग कन्वर्ट हो गए। लेकिन मैं जिस बात पर भाई स्ट्रेस करना चाहता हूं, कश्मीर का मुसलमान कन्वर्ट होने के बावजूद अरबी संस्कृति में नहीं डला। ये जो ATM है, जो 5% है और जिनको कश्मीर में जमायत इस्लामी रिप्रेजेंट करती है, और आज जितने जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी हुई है ये रिप्रेजेंट करती है, और इन लोगों ने कश्मीरियों का अरबीकरण करने की कोशिश की। शुरू में कश्मीरियों ने इसको रजिस्ट किया, प्रैक्टिकली ये मानना चाहिए कि कश्मीरी मुसलमान अरबीकरण से बचते थे और ATM अरबीकरण का प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर ATM कामयाब कैसे हुआ भाई, प्रश्न तो ये है, 1990 के नरसंहार तक आने के लिए हमें इस बात को तो देखना पड़ेगा कि ATM जिनकी जनसंख्या 5% थी कश्मीर में, वो 95% कश्मीरी मुसलमानों को उसके लीडर कैसे बन गया, उनका अरबीकरण कैसे करने लगे। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने जब भी बात की कश्मीर के बारे में ATM से की, कश्मीरी मुसलमानों से बिल्कुल बात नहीं की। आप हैरान होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो श्रीनगर में जाकर कहा कि कश्मीर में यदि हिंदू सिख रहना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है, दे शुड ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लें, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के लोगों को बता रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यदि देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि आप फलां पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, आपके सिवा आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो मैं समझो इससे बड़ी खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। वो जो प्रोसेस चला हुआ था, और शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला वाज नॉट ATM, शेख अब्दुल्ला ना अरब थे ना तुर्क थे ना वो कश्मीरी थे, लेकिन ATM की सहायता शेख अब्दुल्ला लेनी शुरू कर दी। प्रोफेसर अग्निहोत्री, ये जानना जरूरी है कि पंडित नेहरू का क्या स्वार्थ था जो ये आंखें मूंद कर वो इसे बोल दिए
कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस? आपने बिल्कुल भाई, कोई भी ये पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आखिर इसमें क्या इंटरेस्ट था भाई, वो क्यों हिंदू सिखों को कंपेल कर रहा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हो जाओ। मैंने इस पर लिखा भी है, देखिए दो बातें हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की डिवीजन के खिलाफ थे, कांग्रेस से हिंदुस्तान की डिवीजन के खिलाफ थे, और सर सैयद अहमद खान ने जो टू नेशन थ्योरी दी थी कि हिंदू के नेशन अलग है, मुसलमान का नेशन अलग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके एंटी थे। लेकिन जिस वक्त 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पेश हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें जो स्वीकार किया गया कि हिंदुस्तान में दो अलग अलग नेशन हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने कांग्रेस को कहा कि आप इसको स्वीकार करिए, आप स्वीकार करेंगे तभी ये एक्ट पास हो, तभी इस एक्ट को हम लंदन की पार्लियामेंट में पास करेंगे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, दैट वाज द लास्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ द कांग्रेस, उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे, नेहरू भी थे, गांधी भी थे, गांधी शायद स्पेशल इन्वाइटी होंगे क्योंकि ही वाज नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम, सभी थे, और ये आपके बच्चा खान भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। उसमें कांग्रेस ने इसको पास किया कि हिंदुस्तान के डिवीजन को हम स्वीकार करते हैं। अब मुझे बताइए, इन प्रिंसिपल आप हिंदुस्तान के डिवीजन के अगेंस्ट हो और इन प्रैक्टिस उसको स्वीकार कर रहे हो, ये जो अंतर विरोध था, नेहरू इसको कैसे जस्टिफाई करते? नेहरू का सारी जो लेखन है वो तो कह रहा कि हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एक ही हैं। नेहरू ने कई जगह लिखा भी कि ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान है, जो यही के लोगों से कन्वर्ट हुए हैं, कि ये लोग अरब से थोड़ा आए हुए भाई, ये तुर्क थोड़ा है, ये मुगल मंगोल थोड़ा है, वो तो बिल्कुल थोड़े से होंगे, बाकी तो सब यही के लोग हैं, तो इसलिए इनको डिवाइड करने की क्या जरूरत है। इन प्रिंसिपल नेहरू इस बात को मानते थे, लेकिन इन प्रैक्टिस जब उसको व्यवहार में लागू करने की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर कर दिया। नेहरू में जो गिल्ट था कि मैंने जो कहा है प्रैक्टिस में उसको माना नहीं, वो इस गिल्ट से मुक्त होना चाहते थे, और उसके लिए उनको कोई ऐसी रियासत चाहिए थी जो मुसलमानों का बहुमत हो, लेकिन मुसलमान सर्वसम्मति से कहें कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो नेहरू के लिए ये जिन्ना के मुंह पर थप्पड़ था कि तुम तो कहते हो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, देखिए जो कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे और हम तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, तो ये जिन्ना के मुंह पर थप्पड़ था। लेकिन नेहरू जो धोखा खा गए सबसे बड़ा, नेहरू अपने ही कश्मीरी को पहचानने में धोखा खा गए, शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को ब्लैकमेल किया, नेहरू उसके ब्लैकमेल के शिकार हो गए। दुर्भाग्य से एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को समझ नहीं सका, शेख अब्दुल्ला ज्यादा क्लेवर हुए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जो असली दुर्भाग्य है, तो शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों का साथ छोड़कर एटीएम के साथ मिल गए। तो ये जो शेख अब्दुल्ला सत्ता की गलती हुआ, एटीएम जाने सैयदों के, तुर्कों के, और आपके ध्यान में होगा शेख अब्दुल्ला जब पावर में लास्ट में आए तो जमायत इस्लामी उसको सपोर्ट कर रही थी। इसलिए भारत सरकार की जो नीति शुरू से रही वो कश्मीरियों को डिसीव करने की रही, और एटीएम जो संख्या में 5% थे वो कश्मीरियों का अरबीकरण कोशिश करने की कोशिश करते रहे, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, तो फिर तो भाई नरसंहार होना ही था 1990 का, फिर तो उसको रोक ही नहीं सकता। प्रोफेसर अग्निहोत्री, यदि भारत सरकार ही खुद ये चाहती तो उसको कैसे रोका जाए? जो आम हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है, जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, पूरा कश्मीर हमारे हमारे हिस्से में था, तो ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर पैदा कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान, हम चार जंग उनसे जीत चुके हैं, तो वो आज तक क्यों उनके पास है, कैसे गया उनके पास? देखिए जी, कश्मीर की हिस्ट्री में थोड़ा, क्योंकि मामला भाई कश्मीर फाइल से दोबारा उठ गया है, तो मुझे लगता है अभी हमारे पास समय, हम गहराई से उसको देखें। जो नेहरू ने दूसरा ब्लंडर किया, मैं इसको नेहरू का ब्लंडर कह लीजिए, जहां आप समझ लीजिए कि सिचुएशन को समझने का ब्लंडर हो गया, किसी व्यक्ति की बजाय यदि हम सिचुएशन को पकड़े तो नेहरू सिचुएशन को पकड़ नहीं पाए। दूसरा ब्लंडर क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 370 लगा दिया। भाई आप किसी स्टेट में आर्टिकल 370 क्यों लगाते हैं? तो पंडित जी ने इसका जो तर्क उत्तर दिया कि ये मुस्लिम बहुमत वाली स्टेट है, तो आप तो मजहब को राजनीति का आधार खुद ही बता रहे हो।
आप यदि मजहब के आधार पर स्टेट में आर्टिकल 370 लगाओगे तो इसका क्या अर्थ है, आप खुद ये कह रहे हो कि मुसलमान बाकी देश से अलग है। जब मुसलमान आके तो कश्मीरी मुसलमान तो कम से कम कह सकते हैं कि बाकी देश से अलग है। तो नेहरू तो 370 लगाकर, प्रैक्टिकली नेहरू ने जो आर्टिकल 370 लगाया वो कश्मीर को एक प्रकार से उसके इर्द गिर्द चार दीवारी खड़ी कर दी। उस चार दीवारी के अंदर ATM क्या करता रहा, उस चार दीवारी के अंदर जो मुख्यमंत्री आते जाते रहे वो क्या करते रहे, पाकिस्तान क्या करता रहा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था। तो नेहरू का दूसरा, तीसरा जो नेहरू ने ब्लंडर किया, सरदार पटेल ने उसकी चर्चा भी की है भाई, माउंटबेटन ने नेहरू को समझाना शुरू किया कि नेहरू जी देखिए आप तो बड़े शांति प्रिय व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो लड़ाई से हेट करता है, लड़ाई तो एक प्रकार से गड़बड़ करती है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, अब तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड, तो आप ऐसा करो एक जो नई संस्था बनी है UNO, UNO का काम ही यही है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसके बीच में नेगोशिएट करके शांति स्थापित करना। तो आपका दुनिया में कद कितना बढ़ जाएगा यदि आप UNO में जाओगे और उनको जाकर कहोगे कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो आप इसको शांत करवाइए। अब भाई पटेल तो माउंटबेटन से कन्विंस नहीं हुए लेकिन पंडित जी बहुत जल्दी कन्विंस हो गए, वो सभी के विरोध के बावजूद इस मामले को UNO में लेकर गए। तो UNO में जब लेकर गए फिर तो मामला उनके हाथ से निकल ही गया, UNO तो UNO बस वेटिंग फॉर दिस। UNO में उस वक्त जो शक्तियां थी इस वक्त भी जो हैं वो प्रैक्टिकली यूरोपियन इंपीरियलिज्म या अमेरिकन इंपीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करती थी। उस वक्त वो पाकिस्तान के पक्ष में थे क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त 100% पाकिस्तान के पक्ष में था। ब्रिटेन में हमारे जो क्या नाम इनका गवर्नर जनरल थे पहले माउंटबेटन, उसने तो एक इंटरव्यू में कहा ही, उसने कहा देखिए पाकिस्तान बाय माइग्रेशन मेरी इच्छा थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग बने, वाइबल बने, तो वो तभी बन सकता था यदि जम्मू कश्मीर उसमें शामिल हो, कम से कम कश्मीर तो शामिल हो। तो भाई पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी का चीफ भी अंग्रेज था, हिंदुस्तान की आर्मी का चीफ भी अंग्रेज था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ज्वाइंट आर्मी चीफ था वो भी अंग्रेज था, और बदकिस्मती से जो कश्मीर का आर्मी चीफ था वो भी अंग्रेज था, एक महीना पहले ज्वाइन कर दिया था। तो ये प्रैक्टिकली पूरी कंस्पिरेसी जो थी ब्रिटेन की कंस्पिरेसी थी और नेहरू इसको समझ नहीं पाए और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया बहुत से हिस्से पर और भारतीय सेना उसको छुड़ा रही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर कर दिया। आपने अभी पूछा ना कि भाई बहुत सा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में कैसा चला गया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना उसको छुड़ा रही थी, लेकिन माउंटबेटन को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, या इंग्लैंड को लगा ये गड़बड़ हो जाएगी भाई, यदि सारा छुड़ा लिया फिर तो हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया से जुड़ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान में आ जाता, फिर तो आप अफगानिस्तान के साथ जुड़ गए, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में जुड़ गए। अभी जो आपकी सभी समस्याएं हो रही है कि सेंट्रल एशिया से जाने का रास्ता कोई नहीं है, ये जो ईरान में चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं ये इसीलिए बना रहे हैं कि लैंड रूट हमारा कट गया है जी। तो उस लैंड रूट को कटवाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हाथ का मतलब आप मत समझिए कि मैं नेहरू को एक्यूज कर रहा हूं, मेरा कहना है कि वो सिचुएशन को समझ नहीं पाए, वो गिलगित की बल्तिस्तान की महत्ता को नहीं समझ पाए। उसने अपनी सिस्टर को एक चिट्ठी लिखी हुई लक्ष्मी विजयलक्ष्मी पंडित को जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठी रिकॉर्ड में है, पंडित जी ने कहा हुआ कि यदि कश्मीर पर मुझे कोई पाकिस्तान से समझौता करना पड़ा तो आई विल बी रेडी टू गिव गिलगित टू पाकिस्तान। तो गिलगित तो भाई सारे सेंट्रल एशिया को गिलगित ही तो जोड़ता है हमसे। आज जो 2021-20 में 22 में हम लोग कभी ईरान का पीछा करते कि साहब चाबहार पोर्ट बनाइए, हम इधर से सेंट्रल एशिया के पास जाएंगे, अभी अफगानिस्तान में आप लोगों ने गेहूं भेजना था, आपके पास रास्ता नहीं था कि पाकिस्तान ने बंद कर दिया है जी। ये सारी समस्याएं जो है ये कश्मीर की मिस जो गड़बड़ हुई है उसके कारण हुई। अब देखिए आपने बिल्कुल प्रश्न जायज किया कि उनके पास क्यों है। दूसरी बात, जब लड़ाई पाकिस्तान ने तो तीन बार हमला किया, 1947 में किया, 65 में किया, 71 में किया, उस वक्त भी हिंदुस्तान इस समस्या को सुलझा सकता था जी। भाई देखिए आप अच्छी पोजीशन में हैं, एक जिसको कहना चाहिए ताकत की पोजीशन में है जी। तो आप नेगोशिएट करने में थोड़ा बैलेंस अपने पक्ष में डाल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तभी लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि हमारी फौज जो लड़ाई में जीतती है हमारी सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पर उसको दे देती, वापस दे देती है।
अभी वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तभी का पाकिस्तान के कब्जे में किया हुआ है और भारत सरकार ने कभी उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। मैं ये प्रयास इसलिए कह रहा हूं कि जब लड़ाई शुरू होती ना फिर तो आप कर ही सकते हैं जी। और भारतीय सेना ने 65 में शायद हाजीपीर दर्रा छुड़ा ही लिया था और हाजीपीर दर्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा फॉर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब नेगोशिएशन हुई तो उन्होंने फिर वापस कर दिया। तो ये कश्मीर की आज की समस्या को जो कश्मीर भाइयों ने, जी मैं कश्मीर भाइयों वालों को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सारे मसले को दोबारा ओपन कर दिया है जी। लेकिन इस फिल्म में जो असली बात है, हाँ बताइए प्रोफेसर, इस फिल्म में दो चीजें, एक प्रोफेसर को जो निवेदिता मेनन जेएनयू के प्रोफेसर है और अरुंधति रॉय आप जानते हैं वो बहुत जाने माने सोशल वर्कर, देखिए वो दोनों का यूनिवर्सिटी में जो जी टीचर हैं मेनन, क्या उसका नाम डॉक्टर मेनन है जी, उसके नाम से जो उसके दूसरे नाम से एक पात्र जो उसमें फिल्म में भी है और लगभग वो वही भाषण देता है जो वो लेडी देती है डॉक्टर मेनन, जम्मू एंड कश्मीर जो भी प्रोफेसर का नाम होगा जी, जम्मू एंड कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए मेरा ये कहना है कि इंडिया को समझने के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए, कुछ लोगों का माइंडसेट वो नहीं है लेफ्ट, उसका कारण है देखो उसको समझना पड़ेगा। जो लेफ्टिस्ट लॉबी है, लेफ्टिस्ट लॉबी पहले फॉलो करती थी रशिया को फिर चाइना को, या एट ए टाइम दोनों को फॉलो करती थी। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि रशिया जो है, अब तो खैर रशिया टूट गया इसलिए उस बात की अहमियत नहीं रही, लेकिन जिन दिनों ये चलता था कि रशिया जो है उसमें अलग अलग नेशनैलिटीज हैं और चीन वाले भी मोटे तौर पर जो मानते हैं कि वहां भी अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, और रशिया वालों ने ये भी लिखा कि अलग अलग नेशनैलिटीज को रूस को छोड़ने का भी अधिकार है। तो हमारी लेफ्टिस्ट लॉबी तो भाई रशिया को फॉलो करती थी, इसलिए उन्होंने कहा वहां अलग अलग नेशनैलिटी है तो हमारे भी जहां होनी चाहिए, फिर तो वो भी अब जो मानकर चलते हैं कि जहां 50 अलग अलग नेशनैलिटीज हैं तो रशिया वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो छोड़ सकते हैं, तो हमें भी ये अधिकार होना चाहिए कि छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये शुरू कर दिया कि भाई यदि कश्मीर वाले नहीं रहना चाहते तो छोड़ सकते हैं, यदि फलां नहीं रहना तो वो भी छोड़ सकता है, फलां नहीं रहना चाहता वो भी छोड़ सकता है। ये जो नैरेटिव है, ये लेफ्टिस्ट नैरेटिव जो है, इसका कारण ये है कि लेफ्टिस्ट लॉबी की कभी इंडियन सॉयल में जड़े नहीं लगी। इसीलिए भाई 1920-25 के आसपास लेफ्टिस्ट पार्टी बनी थी हिंदुस्तान में, आज 2022 में उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन में उनकी जड़ें नहीं है इसलिए वो जम नहीं पाई। लेकिन जो इक्का दुक्का फिर इंटेलेक्चुअल रहते हैं जो यूनिवर्सिटी में घुस गए, कुछ रिटायर हो गए टीचर कॉलेजों में से, अब वो उसी नैरेटिव में पले बड़े हैं, सारी उम्र जिस नैरेटिव को पकाकर खाया, जिसके बलबूते जहाजों में सफर किया, जिसके बलबूते बड़े बड़े मकान बनाए, अब वो ढलती उम्र में उसको कैसे छोड़ देंगे जी। तो इसलिए भाई वो तो इस नैरेटिव को चलाएंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है, हिंदुस्तान के लोगों ने लेफ्टिस्ट लॉबी के उस नैरेटिव को कहीं नहीं पकड़ा, कभी नहीं पकड़ा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि कश्मीर के लोग भी, जो कश्मीर के कन्वर्ट हो गए या दूसरे भी, कश्मीर के लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हिंदुस्तान इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो नरसंहार हुआ है इसके लिए जिम्मेवार एटीएम जो है, और एटीएम को भारत सरकार ने कभी भी काबू, जाए उसको नियंत्रण में करने की कोशिश नहीं की, उसको सदैव प्रश्रय दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म ने एक नई चेतना जागृत की है कश्मीर को उसके असली स्वरूप में देखने के लिए, और कश्मीर में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए, और उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी शिनाख्त भी हो जाएगी, और मैं समझता हूँ पब्लिक तो कर ही रही है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान में फूट डालने का प्रयास नहीं है, ये हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नजदीक लाने का प्रयास है, ताकि जिनके मन में जहर भरी हुई थी कश्मीर में वो कैथारसिस के माध्यम से निकल जाए और फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। ये फिल्म सिचुएशन नॉर्मल करने का प्रोसेस है, ना कि सिचुएशन को बिगाड़ने का। आपको ध्यान में होता है कई बार भाई कब्ज हो जाती है तो डॉक्टर गोली दे देता है कि कैथारसिस हो जाता है, गंदगी निकल जाती है जी। ये फिल्म कैथारसिस का काम करेगी और कश्मीर के भीतर से
जो एटीएम ने और षड्यंत्रकारियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग ने ये जो गंदगी फैलाई हुई थी वो निकलेगी और कश्मीर साफ होगा, शांत होगा, भाईचारा बनेगा और सिचुएशन नॉर्मल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्निहोत्री हमारे साथ बात करने के लिए और ये पूरा घटना हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद हमारे ये कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आवश्यक थे प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जे कि काश्मीर फाइल कुने की जो चर्चा आज जोर धरी एवं कहीं ए घटना घटला किभली भाव में ये गोटे षड्यंत्र जो षड्यंत्रकारीकर मुखा खोली ए फिल्म जरिया एवं केमिति अनेक दशंधि तलु देश विभाजन समय यार मंजी बुणा जाइथिला एवं ता पछर खलनायक किए किभली भाव एवं जो माने भी विरोध करुछंती एवं सेमानंकर असल चेहरा सामना को आसी जाइछि एवं काले जो एजेंडा से माने चले आसीथिले से एजेंडा तांकर भंडूर होइ जइबो सेइथि पई तांकु भय घारिछि एवं सेइथि पई एभली भाव कहा जाउछि। किंतु जो कथा प्रोफेसर अग्निहोत्री कहिले एवं ये देशवासींकर आखि खोली देइछि एवं आउ ए कथा लुचिकि रहिबो नाहि। तो समय होइछि आमना सामना को एठ रखिबा। नमस्कार।